हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज डी। ए शॉपकीपर वेंट टू मार्केट विद 8,575 रुपीज एंड 75 पैसे। आउट ऑफ दीज ही पेड 5,052 रुपीज 25 पैसे फॉर क्लोथ्स एंड 2,070 रुपीज 25 पैसे फॉर ग्रोसरी। Now, how much money is left with the shopkeeper? So, in this question, sorry, आपको टोटल मनी दिया है और उसने कौन कौन सी चीजों में कितना स्पेंड किया वो भी दिया है। फिर आपको वो बोल रहा है कि उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं वो आपको फाइंड आउट करना। इट मीन्स अपने को यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहली बार लिख लेते हैं। इस शॉपकीपर हैड कितने पैसे हैं उसके पास, देख लो आप। 8,575 तो रुपीज है और 75 है पैसे, और 0.75 रुपीज। नेक्स्ट देखो, ही स्पेंड या ही पेड कर ले हैं की बात है। ही पेड फॉर क्लोथ्स, अब देखिएगा क्लोथ्स में इसने कितना खर्च कर दिया, कितना पे कर दिया। क्लोथ्स के लिए इसने पे किया 5,052 रुपीज और 25 पैसे। नेक्स्ट है, ही पेड फॉर ग्रोसरी, अब देखिएगा ग्रोसरी के लिए कितना पे कर दिया इसने। ग्रोसरी के लिए इसने पे किया 2,070 रुपीज और 25 पैसे। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, उसने टोटल कितना स्पेंड किया पहले तो वो फाइंड आउट कर लो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। टोटल मनी कितना पेड किया देखिए भाई। फर्स्ट है 5,052 रुपीज 0.25 और 2,070.25, ये दोनों को आप लेस कर लो पहले, तो आपको क्या पता लग जाए कि टोटल कितना स्पेंड हुआ किस में। क्लोथ्स प्लस ग्रोसरी, ठीक है। तो देखो 5 5 10, 10 का 0, 2 2 जो 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट लगा दो। नेक्स्ट देखो 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 5 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी हो गया तो आगे 1 ऐड हो गया, 5 प्लस 2 हो गए 7। ओके, ये तो आ गया आपका टोटल स्पेंड और उसके पास है कितना मनी, तो वो देखिएगा टोटल मनी हैड करना क्या है। टोटल मनी हैड 8,575 रुपीज 0.75 पैसे, और नीचे आप लिख लीजिए टोटल स्पेंड 7,122.50 पैसे। अब लेफ्ट मनी जो आपको निकालना है कि टोटल उसके पास कितने पैसे बच गए वो देख लो, यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, 5 का 5 आ जाएगा क्या, 7 में से 5 गया तो 2 रुपीज लगाना होगा। 5 में से 2 गया, 3 आ गए, 7 में से 2 गया, 5 आ गए, 5 में से 1 गया, 4, 8 में से 7 गया तो 1। सो लेफ्ट मनी
1453 rupees 25 पैसे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।